हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कस्टर्ड एप्पल का जो ग्राफ्टिंग है वह किस प्रकार किया जाता है वहाँ बताने जा रहा हूँ। कस्टर्ड एप्पल अंग्रेजी में कहते हैं, सीताफल हिंदी में कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ चीज़ों के लिए सबसे पहले आपको क्या क्या चाहिए। तो यहाँ कटर चाहिए, ग्राफ्टिंग नाइफ चाहिए। ग्राफ्टिंग नाइफ के एवज में आप ब्लेड भी ले सकते हैं, ब्लेड से भी मैंने ग्राफ्टिंग बताई है, या तो फिर आप 10 या 20 रुपए का जो थर्मोकोल कटर रहते हैं वह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इनको इस्तेमाल करने से पहले आपको इन्हें स्टरलाइज कर लेने का है। अब इसे कट ये प्रोसेस करने के पहले, कट करने के पहले वी शेप जब बनाते हैं हम ग्राफ्टिंग के लिए, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग या हार्डवुड ग्राफ्टिंग जो भी है, तो यहाँ जो है इसे गर्म पानी बॉईल किया हुआ गर्म पानी उसमें डुबो दीजिए थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, और तो भी स्टरलाइज हो जाएगा। और नहीं तो आपको मेडिकल स्टोर्स में अल्कोहल या स्पिरिट मिलता है 20-30 रुपये की बोतल, उसमें डुबो दीजिए और पोंछ लीजिए और फिर डुबो लीजिए इसे और साफ कर लीजिए, थोड़ी देर के बाद में अल्कोहल उड़ जाएगा। इस प्रकार आपको ग्राफ्टिंग करने के साफ करके औजार रखिए और उसके पहले, ग्राफ्टिंग करने के पहले भी साफ कर लीजिए। उसके बाद में आपको पॉलीथीन स्ट्रिप लगेगी। अब पॉलीथीन स्ट्रिप्स कैसे करने का, कैसे बनाने का वो भी बता चुका हूं मैं अपने वीडियोज में। उसके बाद में आपको कलमे लगेगी जिसे हम सायन कहते हैं। अब यहां सायन, हर पेड़ में हम सायन इस्तेमाल करते हैं यानी कलमे। तो कलमे कैसी चाहिए, या सीताफल की कलमे हो, आम की कलमे हो, सिलेक्शन ऑफ सायन ऑफ मैंगो, मैंगो ट्री वो भी मैं बता चुका हूँ। अब सिलेक्शन ऑफ सायन ऑफ एप्पल, अपने कस्टर्ड एप्पल किस प्रकार करते हैं वो भी बताना चाहता हूँ। तो इसके लिए फलते हुए फलदार जो वृक्ष रहता है उसकी 8 से 10 महीने पुरानी या तो 8 से 12 महीने पुरानी लकड़ी का सिलेक्शन कीजिए जो पेंसिल साइज की हो। लेकिन वहाँ जब आप कट करोगे तो लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबाई रखिए ताकि उस पर 10 अंकुर आए कम से कम, ऐसे जो यहाँ पर रहते। पत्ते को कट कर लीजिएगा आप, यहाँ देखिएगा अंकुर, यहाँ यहाँ अंकुर है, यहाँ अंकुर है, यहाँ अंकुर है, यहाँ, तो ऐसे 10 कम से कम। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर की लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी लगभग बराबर है कि 10 अंकुर मिनिमम चाहिए एक सायन पे। और सायन पेंसिल जैसी जाड़ियाँ, पेंसिल से हाफ भी रही जाड़ी तो भी चलता है, लेकिन बस उसका कलर कैसे सिलेक्ट करने का वो भी बताना चाहूंगा। उसका कलर ब्राउनिश ब्लैक, अब ब्राउनिश ब्लैक, ब्राउनिश ग्रीन नहीं। अब कंसीडर करो, अभी ये जो लकड़ी बताना चाहता हूं मैं, ये अभी ब्राउनिश ब्लैक नहीं है, ये थोड़ी कौली है लकड़ी, यहाँ लकड़ी ब्राउनिश है ओनली, ब्लैक नहीं है। अब ब्राउनिश ब्लैक में जैसे ये चल जाएगी, ब्राउनिश ब्लैक, ब्राउनिश ब्लैक, तो आपको समझ में आ जाएगा। जो बाकी का पोर्शन है जो सायन का वो कट करके फेंक दीजिएगा। अब यह होगी ताजी कलमे। तो दोस्तों, इसके पहले अगर से आप अगर से प्रिपेयर सिलेक्शन जैसे करके आप 8 से 10 दिन रखते हैं पेड़ को ही, पत्ते डिफोलिएटेड करके कलम का जो कोला जो भाग है, ग्रीन वाला भाग कंसिडर करो, ऐसा वाला भाग या ऐसा वाला भाग, वो जो ब्रांच का है वो कट करके फेंक देने का, ऐसा वाला भाग जो है कट करके फेंक देने का, और ऐसा वाला भाग डार्क वाला ऐसा रखने का। ये देखिएगा, आपको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ प्रॉपर, यहाँ ब्राउनिश ब्लैक है, यहाँ यहाँ कलर ब्राउनिश ब्लैक, इस प्रकार का कलर चाहिए। लेकिन इसी ब्रांच पे आपको कोला पार्ट रहेगा और कट करके फेंक दीजिएगा, और फिर आपको लगभग समझो 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर की लंबी ब्रांच मिलेगी, उसको डिफोलिएटेड करके रख दीजिएगा, और उसके बाद में आप उसके टुकड़े बना लीजिएगा। कब? 8 से 10 दिन के बाद। तो दोस्तों, इसके बारे में फिर और आपको बताना चाहूंगा कि सक्सेस रेट कौन से महीने में कितना कितना है। अगर से आप जुलाई माह में करते हैं तो लगभग 19-20% है, अगस्त में करते हैं तो 22-25% है, सितंबर में करते हैं तो 30% है, अक्टूबर में करते हैं तो 40% है, ऐसा परसेंटेज बढ़ते गया है। तो आप अगर से सबसे अच्छा सक्सेस रेट चाहते हैं, दिसंबर में भी करते हैं, दिसंबर में 50% लगभग सक्सेस रेट है। उसके बाद में जनवरी है, तो जनवरी अगर से करते हैं आप तो जनवरी में 60 के लगभग है, लेकिन आप अगर से 1 फरवरी यानी फरवरी माह में करते हैं तो लगभग 90% के लगभग है। फरवरी और मार्च, ये 2 महीने में अगर से 1 फरवरी से अगर से आप मार्च तक करते हैं तो लगभग 90% के ऊपर सक्सेस रेट है। और अगर से मई और जून में करते हैं तो सक्सेस रेट आपका 0 है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई यहां सक्सेस रेट फरवरी और मार्च में ही ज्यादा क्यों, बाकी के सीजन में क्यों नहीं? तो इसका एक कारण है कि हार्वेस्टिंग यानी क्रॉप हो जाता है, क्रॉप पूरा फसल तोड़ के हो जाती है, तो लगभग नवंबर माह तक, दिसंबर माह तक
आपका पूरा क्रॉप हार्वेस्टिंग यानी पूरा फल फल का तोड़ना हो जाता है, सीताफल का खत्म हो जाती है सीताफल पेड़ से। और उसके बाद में पतझड़ लगती है। जब पतझड़ लगती है तो उसका कारण है, पतझड़ क्यों लगती है, ग्राउंड लेवल का पानी लेवल डीप जाते जाता है, इसलिए वेपराइजेशन स्टॉप करने के लिए नेचर ने, निसर्ग ने, ऐसी कुदरत ने उनको बुद्धि दी है कि वह अपना पत्ता गिरा देते हैं पौधे, ताकि वेपराइजेशन ना हो और लिमिटेड इसमें मिनरल में और पानी में पेड़ जिंदा रहे। ये इसीलिए पतझड़ होती है। तो जब पतझड़ फरवरी यानी नवंबर दिसंबर, दिसंबर से पतझड़ शुरू हो जाती है, तो फरवरी में लगभग पौधे को बहुत कम पत्ते रहते हैं। तो इसीलिए वो क्या होता है, फूड मटेरियल स्टोर रहता है पेड़ में। और फूड मटेरियल जब स्टोर रहता है तो जब हम सायन सिलेक्ट करके लाएंगे और हमारा जो पौधा है मिनिमम जिसपे हम ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं वह लगभग 7 से 8 महीना मिनिमम एज का चाहिए। आप 1 साल के इसमें भी कर सकते हैं, 2 साल भी, लेकिन आपका 1 साल का अगर 8 महीने का पौधा है तो बेस्ट सक्सेस रेट मिलता है आपको, एक ख्याल में रखिएगा। अगर से फरवरी में लगाते तो नेक्स्ट फरवरी में, आप फरवरी मार्च में अगर से या अप्रैल में डालते तो नेक्स्ट फरवरी में आपका पौधा 8 महीने का हो जाता है। वैसे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सॉइल में अगर से आपका अगर से पौधा है जमीन में तो उसका ग्राफ्टिंग रेट सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है, ये बताना चाहूंगा। क्योंकि लिमिटेड मिनरल और लिमिटेड फूड मटेरियल में पॉकेट का पौधा जिंदा रहता है, इसलिए उससे बेस्ट सक्सेस रेट जमीन के पौधे का है। तो आप इस प्रकार इस पे आपको अच्छी वेराइटीज जो आपके एरिया में हो वहां से सिलेक्ट करके लाने का, और फलते हुए पेड़ की लाने की, ताकि आपको फ्रूटिंग जल्दी मिले। तो इस प्रकार आपको सिलेक्शन और सक्सेस रेट में बता चुका हूं। तो दोस्तों, और आपको क्वेरी होगी कि हम ऐसी हाइब्रिड वेराइटी कहाँ से लाए, जैसे मेरे पास 67 है और इस प्रकार की बहुत सारी वेराइटीज मार्केट में अवेलेबल है, या तो आपके आस पड़ोस में गार्डन होंगे, किसी के फलों के बगीचे होंगे, वहां से भी आप ला सकते हैं सायन, या तो समझो आपने ऑनलाइन अगर पौधा मंगाया तो एक पौधे के अनेक पौधे कैसे करते आते हैं, ये भी आप घर में लगाने के बाद में कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम सायन सिलेक्शन का भी बता चुके हैं। अब इस प्रकार अगर बड़ा पेड़ है तो उस पर आप छटिंग कर दीजिएगा पहले, इस प्रकार ब्रांचेस ज्यादा की जो ब्रांचेस है। अभी मैं इस पे करना चाहता हूं। अब इसका जो चाप है वह कितना सेंटीमीटर का देने का है, इसको चाप जो है आपको वहां लगभग 1 इंच यानी 3 सेंटीमीटर, 2.5 से 3 सेंटीमीटर का चाप आपको देना है। यहाँ स्टिक हो गई, स्टिक की भी लंबाई मैंने बता दिया था आपको, इस प्रकार या जो वी शेप है जो आम में भी दिए देते हैं हम लोग, इस प्रकार आपको यहाँ 2.5 से 3 सेंटीमीटर नहीं 1 इंच। तो इस प्रकार आप अगर से बड़ी लकड़ी हो जिस पे फिट कर रहे तो आप साइड से लीजिएगा इस प्रकार, और मोटी लकड़ी है समझो मोटी लकड़ी है तो इस प्रकार, और अगर से आपकी सायन के बराबर की आपकी अगर जो लकड़ी है तो आप बीच से सेंटर से आप कट ले सकते हैं यानी चाप ले सकते हैं, जिस प्रकार आम में मैं बताया। तो इससे क्या होगा, आपका जो बार्क टू बार्क है, छाल से छाल, कैम्बियम से कैम्बियम मिलाने का एक तरफ, दूसरे तरफ नहीं भी मिला तो भी चलेगा, मैं बता चुका हूँ आम के भी इसमें प्रोसेस में। तो इस प्रकार आपको पॉलीथीन टाइटली बांधने की है। और दोस्तों, अगर से आप फरवरी मार्च में करते हो तो स्प्राउटिंग के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो लगभग 10 से 15 दिन में स्प्राउटिंग हो जाती है फरवरी मार्च में, और ये बाकी के सीजन में लगभग आपको 20 से 25 दिन 30 दिन भी ले लेती, जैसे अभी हम कर रहे हैं। तो इसमें आपको 30 दिन भी लग सकते हैं, क्योंकि ये जुलाई वाले मंथ है या तो अक्टूबर नवंबर मंथ है, इस प्रकार आपको कलम करनी है। तो दोस्तों, इसके बाद में हाउ टू टेक केयर, समझो इसमें स्प्राउटिंग आना चालू हो गया, कंसीडर करो। तो उसके बाद में जब आप पैकेट में अगर से प्लांट होगा जो 8 महीने या 10 महीने का होगा, उसकी या तो फिर बाहर वाले प्लांट की केयर किस प्रकार लेने का, आप पॉकेटिंग प्लांट को 8-8 अल्टरनेट डेज में यानी 1 दिन बाद में पानी डालते हैं, 2 दिन बाद में पानी डालते हैं, तो पानी इस ज्वाइंट पे ना डालिए,
इस पे पानी नहीं जाना चाहिए, ज्वाइंट पे जहाँ बांधते हैं वहाँ उसके नीचे पानी डालिए। लेकिन जब पानी आप वाटरिंग करते, जिसे पानी डालना करते, वाटरिंग मीन्स पानी डालना, जब पौधों को पानी डालते हैं आप, उस वक्त एक ध्यान में रखने का कि ये जो ज्वाइंट है उसके नीचे का मूल जो पौधा है, जो स्टॉक रूट कहते हैं, उस स्टॉक रूट पे अगर से ब्रांचेस निकलती है, स्प्राउटिंग निकलती है, उन्हें साथ में ही पानी डालते वक्त तोड़ लेना चाहिए। इस प्रकार आपको केयर लेने की है। यहाँ से जो भी निकलते पूरे आप नाखून से खोल लीजिए, इस प्रकार कोई भी प्रकार की ब्रांचिंग उसे नीचे से ना निकलने दे, सिर्फ आपके ज्वाइन के ऊपर की जो सायन है उसी की ब्रांचिंग आप निकलने दे। तो दोस्तों इस प्रकार जब यहाँ बड़ा हो जाएगा तो आपको फ्रूटिंग चालू हो जाएगी, तो यहाँ फ्यूचर में आपको केयर लेने का है। तो दोस्तों दूसरी एक चीज ये हो गई हाउ टू टेक केयर, और एक केयर ये जो आपका जो ज्वाइंट आपने बांधा हुआ है इसका प्रिकॉशन, इसको कब छोड़ने का है। तो दोस्तों लगभग जब आपको ऐसा लगे कि पत्तियां निकल चुकी है यहाँ पर, लगभग 10 से 12 पत्तियां, 15 पत्तियां, तब तक इसे छोड़ने का नहीं। लेकिन इसके बावजूद कभी कभी ग्रोथ ऐसी हो जाती है कि आपको यह जो लकड़ी है यहाँ मोटी होने लगती है, यहाँ वैसी की वैसी रहती झिल्ली के कारण, और इधर का भी तना मोटा हो जाता है। इस पीरियड में समझ जाना कि यहाँ टाइटनेस आ रहा है, ब्लेड मार धीरे से ब्लेड मारने का और पॉलीथीन अलग कर देने का। तो बस यहाँ पर 2 से 3 महीना ही आपको यहाँ रखने की है, जो यानी ज्वाइंट पे जो पॉलीथीन, और हो सके तो अगर से आप कैप भी पहना सकते हैं इसे गर्मी के लिए, एक थैली या इस प्रकार आपको, इससे क्या होता है मॉइस्चर मेंटेन होता है। तो दोस्तों और एक चीज बताना चाहता हूँ, जो सक्सेस रेट की बात है जो की थी हमने सितंबर अक्टूबर या दिसंबर में, सक्सेस रेट इसका कम क्यों रहता है, तो इस पीरियड में टेम्परेचर जो रहता है वह डाउन रहता है, यानी इसके लिए डाउन रहता है, और ठंडी और डोरमेंट स्टेज में पेड़ चला जाता है। लेकिन उसी जगह अगर फरवरी और मार्च में करते हैं तो क्या होता है, फरवरी में टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाता है, और जो फूड मटेरियल रहता है जो पेड़ में, वह बहुत ज्यादा प्रमाण में स्टोर रहता है। इस वजह से जो सायन की ग्रोथ बहुत जल्दी 10 से 12 दिन में, 15 दिन में स्प्राउटिंग होना चालू हो जाती है, यहाँ इसका रीजन है, मेन रीजन। तो दोस्तों अगर से आपको यह इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको नए नए इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। थैंक यू।